तो हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक नोट्स बना के, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 मोशन। तो नोट्स कैसा है? शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद। तो नोट्स देखिए कुछ ऐसा स्टार्ट होता है मस्त फ्रंट पेज के साथ, जैसे मोशन है, बुलेट है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि यदि बुलेट स्ट्राइक कर जाता है तो उसका क्या स्पीड रहता है, कितना टाइम लगता है, ये सब भी। इसमें तीन जो मेन फार्मूला है ना, तीन मेन फार्मूला से ही चैप्टर खत्म हो जाता है। एच स्क्वायर टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीनों फार्मूला से चैप्टर खत्म हो जाते हैं। देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, मोशन चैप्टर नंबर 8। सबसे पहले डिफाइन किया मोशन क्या होता है, ठीक है। सबसे बड़ा जो टर्म रहता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बहुत बच्चे इसको समझ नहीं पाते भाई, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, डिस्टेंस क्या होता है, देखिए कोई बच्चा इसे करके यहाँ पहुँचा, ठीक है। यहाँ पे उसका स्कूल था, यहाँ पे उसका होम था, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मीटर था, ये 10 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस इजकल टू 15 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस 15 मीटर हो गया। अब समझिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि कोई भी शॉर्टेज डिस्टेंस, रास्ता हो ना हो, डायरेक्ट बच्चा यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। वो कौन सा डिस्टेंस होगा, हो सकता है वो 7 मीटर हो, मैं नहीं जानता हूँ, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकाल लीजिएगा। 7 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया 15 मीटर, ठीक है। ये सबसे बड़ा जो टर्म है बहुत बच्चों को परेशान करता है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर, वेक्टर मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि उसमें मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड देखिए 7 मीटर है ना, मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा 7 मीटर है। और जिधर डायरेक्शन हो, ठीक है, डायरेक्शन किधर है, होम से स्कूल तरफ, हो सकता है कि ईस्ट डायरेक्शन हो, होम से स्कूल तरफ ईस्ट डायरेक्शन, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ मात्रा हो। फिर हिंदी में मैंने लिख दिया है कि डायग्राम ऊपर देख लीजिए, ए से बी है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और जो घूम के गया कार उसको डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन ही पढ़ा है, नॉन यूनिफॉर्म बता दिया है, स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में बताया। हिंदी में मैंने बताया स्पीड और वेलोसिटी में अंतर यह है, देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया हिंदी में। इस नोट्स में मैंने अब हिंदी में, मतलब हिंदी में भी मैंने समझाया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने बताया। फिर यहाँ से हमारा मस्त फॉर्मूला स्टार्ट होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों फॉर्मूला ना सेम चीज निकालने के लिए यूज होता है। किसी में टाइम रिक्वायर्ड होता है, किसी में टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता है, किसी में डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है, किसी में इनिशियल वेलोसिटी, किसी में फाइनल वेलोसिटी, ये सब अंतर है, ठीक है। बाकी फार्मूला आप तीनों कहीं भी यूज कर सकते हैं, ओपनली है, कहीं भी छोटी इसमें ये नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। देखिए अब हिंदी में मैंने समझाया इनिशियल वेलोसिटी किसको कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी किसको कहते हैं। यदि हम रेस्ट से कोई ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करते रहे, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट कर दे रहे कोई ऑब्जेक्ट को, यहाँ देखिए रेस्ट से कोई ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो रेस्ट में कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। अब चलने पे कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल कितना हो गया 0 मीटर, भी बोलते हैं, फाइनल कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वही होता है। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे मौत का कुआं देखते होंगे ना, तो उसमें गाड़ी कैसे चल जाता है, इसे उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जांपल मैंने दिया है, जिस तरह घूमता है आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट घूमता है, अर्थ रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, ठीक है। फिर यहाँ से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 और 5, ठीक है, पाँचों क्वेश्चन तक मैंने यहाँ बता दिया है। तो ये जो नोट्स पढ़िए बहुत मज़ा आ जाएगा आपको, पूरा मस्त बिंदास जो मोशन चैप्टर है ना, आपको हो सकता है कि 70-80% क्लियर हो जाएगा, बचा हुआ 20% आपको मेहनत करने से, क्वेश्चन बनाने से क्लियर हो जाएंगे, तो आप मोशन का फुल मार्क्स उठा सकते हैं एग्जाम में, कोई भी इसमें बाउंडेशन नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो नोट्स आप पढ़िए, कैसा लगता है कमेंट में आके बताइएगा, हमको भी अच्छा लगेगा। और तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे हम और भी नोट्स आगे बताएंगे और आपको मिलते ही रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।